हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रगति वर्मा के वीलॉग पे, जिसका टाइटल है आई ट्राइड सेलिंग माय डायमंड प्ले बटन। तो हमने इनके डायमंड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग देखी थी, जिसमें इनकी मदर भी थी, इनकी सिस्टर भी थी, पूरी फैमिली ने एक साथ मिल के जो है ना डायमंड प्ले बटन को अनबॉक्स किया था। और भाई वो देख भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से यूट्यूब ने एक पूरा ब्रीफ केस, और मतलब YouTube भाई कहता है कि हाँ भाई आपके इतने मिलियन हो गए हैं, ये लो डायमंड प्ले बटन। तो हम देखते हैं कि क्या वीलॉग है, क्या करने वाली हैं प्रगति, किन लोगों को जाके बेचने की कोशिश करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एन गो। आप इसके मुझे कितने रुपए दे सकते हो? ये रियल डायमंड है। अरे क्या है, आज मेरे पास कोई शायरी नहीं है। कोई शायरी नहीं हो ही नहीं सकता। होने को कौन टाल सकता है? और आप मेरे बालों को ना ऐसे घूरना बंद करो। मैं ना करना ये चाहती थी, लेकिन ये हो गया मेरे साथ। और आज मैं सेल करने वाली हूँ अपना डायमंड प्ले बटन। लेकिन उससे पहले मुझे ना कई दिनों से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आप इस वीडियो को देखो और इसे ट्राई करो। तो हम उसे ट्राई करते हैं, वो भी ना अपनी मम्मी वर्मा के साथ। ये तो हमने देखा। मम्मी, आपको अपनी हंसी कंट्रोल करनी है। कुछ किया नहीं मैंने हंसी। क्या किए तो किए, जैसी माँ वैसी बेटी। यार मम्मी पता है क्या? मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो चलो मम्मी को दिखाते हैं ये वीडियो। नहीं नहीं मम्मी बेचारी। तो डायमंड प्ले बटन अपना खोलता है और उसका फोम निकाल रहा है। इतनी आसानी से निकल गया। कुछ है? ओके देखते हैं गाइस क्या है। ओ भाई साहब, नकली है यार। मम्मी अगर उसमें से डायमंड निकल जाएंगे ना, तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो पैसा पैसा होगा यार, हमारी ना दुनिया पलटने वाली है मम्मी। ठीक है, मैं ना आपको ये सब कपड़े का सूट पहन रही, मैं आपको हीरे का सूट पहन रही। हमारे कैमरामैन कुछ बोल रहे हैं? जो भी निकलेगा आधा मुझे चाहिए। बेटा कुछ नहीं निकला, तुम गलत फहमी पाल रहे हो। हम नहीं देगा, भूल जाओ। गाइस सब लोग अपना कराची की आवाज में चाहिए। लिख दो कि अगर निकल जाता है तो आपको कितना हिस्सा चाहिए। मैं दे दूंगी आपको, तो दे दूंगी। गजब टू भी आ जाते कैमरामैन को तुम दे नहीं रही हैं। दम लगा रहे हैं हम आप। अरे फॉर्म फट जाएगा। प्रैंक हो गया आपके साथ। अबे यार क्या है ये? मेरे को पहले से पता था यार कुछ नहीं होने वाला है। उसने ना यहाँ पे ऐसे पहले से कट करके डब्बा रखा होगा यार। डायमंड प्ले बटन को हम लोग बेच दे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, आपको पता है? नहीं पता। अगर मुझे मोटी रकम मिल गई तो मैं इसे बेच पाऊंगा मम्मी। खबर था चलो यार बाहर चलते इसे लेके। चलो गाइस चलो यार, वो ऐसा मत समझे कि मैं चोरी वोरी कर से दिला रही हूँ कहीं। मुझे ना ये YouTube की तरफ से डायमंड प्ले बटन मिला है। अच्छा। तो मैं इसको बेचना चाहती हूँ, तो आप इसको देख के बता सकते हैं आप इसके लिए कितना आप पे करेंगे? दिखाओ भाई, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। ओरिजिनल है कि फेक है ये हमें पता भी लगाना है, क्योंकि YouTube ने बोला है कि ये डायमंड प्ले बटन है। आप लेके देख सकते हैं इसको। ओरिजिनल है? ओरिजिनल और डायमंड समझ रहे थे। ओरिजिनल नहीं है यार, दिल टूट जाएगा मेरा। उन्होंने कहा था कि डायमंड है। अच्छा तब भी मान लीजिए ओरिजिनल नहीं है, तब भी आप अगर इसको आपको खरीदना होगा तो आप कितने पैसे पे करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारा प्यार देंगे आप, और कुछ नहीं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सका होगा, सका होगा। क्या होगा? इमोशनल डैमेज। ये भैया बोल रहे हैं वो इसके एक रुपए भी नहीं देंगे, तो चलो ठीक है, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं और चलो भाई। देखा तेनू पहली पहली बार वे। मुझे इसको बेचना है। हमारे पास नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा? आप एक बार देखना चाहते हैं इसको, ये देखने से पहले ही बोल दिया भाई। देख के शायद आप कीमत लगाना चाहे। नहीं नहीं, हम लोग नहीं नहीं लेते हैं ये। कोई बात, अच्छा चलता हूँ। अरे तू जा रही? हाय। अरे थैंक यू। ठीक हो? पंखे आ रहे हैं भाई, पंखे फैन आ रहे हैं। क्यों भाई, मैं डरावनी हूँ क्या? हाय, एक बात बताओ इसमें क्या है? गोल्डन डायमंड प्ले बटन। डायमंड प्ले बटन। मैंने इस डायमंड प्ले बटन को बेचने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप बताओ कितना कोई इतना दे सकता है? कोई
50 साल कब से कैमरा ओपन करने की शायद कोशिश कर रहा है। ये यूट्यूब से डायमंड प्ले बटन मिला है और मुझे इसको बेचना है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप देख रहे हो तुम ज्वेलर्स अपने स्वैग में बैठे हैं, तो उससे मेरा क्या फायदा। ओहो वाह वाह यार भैया की मुंह से वाह निकल रहा है। ये भाई जरूर जो है ना कंटेंट क्रिएटर होगा। क्या लगता है इसके कितने मिल जाएंगे? कम से कम करोड़ों के आसपास होगा कीमत। करोड़ों के पास आप देंगे? करोड़ों से मैं तो नहीं खरीद पाएंगे, हम लोग छोटे दुकानदार हैं। अच्छा लेकिन किसी और को मान लिया बड़े दुकान चलाते हैं, करोड़ों रुपए में बड़े तरीके से भाई ने नाम बता दिया कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए में, बट वो इसे खरीदना नहीं चाहता। तो चलो यार और शॉप पे चल के देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इसे सच में कोई खरीदना चाहता है या नहीं। मतलब यूट्यूब की दुनिया में तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, मैं रियल लाइफ में देखना चाहती हूँ कि लोगों को ये क्या लगता है, इसकी कीमत क्या बताते हैं लोग। तो चलो यार चलते हैं, डायमंड प्ले बटन को बेचने की कोशिश करते हैं। कलेक्टेबल्स जो लोग होते हैं ना वो कर सकते हैं। ये रियल डायमंड है, मुझे ना इसको बेचना है, तो आप देख के बता सकते हैं आप इसके कितने रुपए मुझे दे सकते हैं। ये बहुत भारी है, जब इतना भारी है तो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। लगता है गाइस मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाले हैं। दस लाख से ऊपर का ही होगा तो आप खरीदेंगे इसे 10 लाख में मेरे से? ये फंस गए मैडम। अगर पहले तो ज्वेलरी के पास उसको लेके जाया जाएगा। अच्छा हाँ, उसके बाद अगर ज्वेलरी घर बोलेगा तो उसको जो है। अच्छा अभी आपको पता नहीं है कि ज्वेलरी बताएगा कि भाई ये ओके, लेकिन अगर ये रियल निकला तो ये मुझे 10 लाख रुपए देंगे, है ना जी? हाँ। तो यार मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा कि ये डायमंड असली है या नहीं। सच्चे में दे रहे हो आप 10 लाख? जी हाँ। तो भाई साहब ये तो अच्छा, ये बताइए अगर मान लीजिए डायमंड नहीं निकला तब कितने देंगे? मैडम डायमंड नहीं निकला तो कोई इसकी कीमत नहीं। कोई ये बात नहीं है, मान लीजिए ऐसे आपकी दुकान में से शोकेस के लिए रखना हो तो ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर रियल है या नहीं है ये पूरा। नॉर्मल स्केल पे चेक करेंगे नहीं? इसको नहीं है, एडी होगा ना। अच्छा वो ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल डायमंड। अच्छा मतलब 2-3 हजार का है ये? डायमंड टेस्ट करते हैं अगर आपको इसको शोपीस के लिए लेना होगा कि यार आप बस घर में इसको सजा के रखे तब कितने पैसे इसके लिए पे करेंगे, खरीदेंगे? कैमरे के लिए कह रही है वाकई। अरे अरे बाय, नहीं 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 नहीं। अरे वाह भाई, वो अंकल मुझे पानी वगैरह पूछने लगे, मैंने वही कांपने लगी कि मेरे डायमंड प्ले बटन को सच में तो नहीं खरीदेंगे। मैं धीरे से वापस आ गया, मैंने भाई यार मेरे को डर लग गया यार। चलो फाइनली पक्का हो गया, फिर करवाते हैं। माउस स्केल है भाई ना, डायमंड का ऑप्शन, इसका मतलब ये डायमंड है ठीक है। हार्डनेस टेस्ट करता है बेसिकली। वो एक सिंबल है, बहुत बड़ा सिंबल है। एक मिनट रुक, इसको कोई खरीद नहीं सकता, इसको सिर्फ हम अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है यार। ये पूरी वीडियो एक एक्सपेरिमेंट थी यार, मैं अपना डायमंड प्ले बटन सिल्वर प्ले बटन किसी ने जीरो किया तो किसी ने 1000 ऑफर किया और एक महान इंसान था जिसने 50,000 ऑफर किया। भाई क्या बात है, अंकल तो मेरे ख्याल में वाकई ही रखना चाह रहे थे। वो होगा उसकी फैमिली वगैरह यूट्यूब वगैरह से देखती रहती होगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि भाई एक क्रिएटर जो है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस बटन तक आने के लिए। तो डेफिनेटली शायद इसी चीज़ को देखते हुए या फिर जस्ट के जनाब ये जो है ना कैमरा वगैरह लेकर फिर रही थी बंदी तो उसको शायद देखते हुए उसने कह दिया होगा। लेकिन स्टिल ही ऑफर्ड 50,000 रुपीज़, कुछ ने 1,000 कहा, किसी ने 3,000 कहा और कुछ मेजोरिटी ने कहा कि भाई फारी के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। यानी टिपिकल जो एक ज्वेलर होते हैं, ज्वेलर्स को भाई उनका अपना स्वैग होता है, उनको मतलब है ज्वेलरी के साथ और अथेंटिक ज्वेलरी के साथ, उसके अलावा वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, तो वो कहेंगे तुम हो कौन बे। तो मज़ा आया भाई वीडियो देख के, टू बी ऑनेस्ट एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था। और एक दफ़ा तो प्रगति मतलब हिल गई थी जब 50,000 का ना कि बंदा सीरियस है यार, इसने कहा भाई
बड़ी मुश्किल से बटन आया लेकिन निकलो यहाँ से। तो अच्छा लगा हमें, वीडियो मज़ेदार था। और अगर आपको इस तरह के मज़ीद चाहिए व्लॉग्स पे रिएक्शन तो कमेंट सेक्शन हाजिर है भाई, हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।